आप देख रहे हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी से लाइव। यहां पर आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं और इस वक्त एक प्रार्थना चल रही है, इसको हम आपको सुनाते हैं। प्रार्थना को गौतम दा इसको सुन रहे होंगे और फिर आपको इसका सार संक्षेप समझाएंगे। शुरुआत होता है कोई भी कार्यक्रम शांतिनिकेतन में वेद मंत्र से, तो वैदिक धुन कहा जाता है, तो शायद यही कहा गया, अभी सुनाई नहीं दिया। मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडिशन है, और ये भवन जो है इसका नाम है बांग्लादेश भवन। बांग्लादेश भवन, या ये पिछले साल 2018 में मोदी जी और शेख हसीना दोनों ने उद्घाटन किया था, यहाँ पे ही आए थे। तो ये बड़ा एक और भी एक सिंबॉलिक है कि जो बंगाल में, जिस दौरान मैं पहले भी जिक्र किया था कि बंगाल में जो चुनावी जो स्ट्रैटेजी भाजपा ने लिया है वो स्ट्रैटेजी दूसरा स्टेट से अलग है। ये नहीं है, किन मायनों में अलग लग रहा है आपको? जैसे उन्होंने शुरुआत कर रहे थे बांकुड़ा का आदिवासी का घर में जाके खाना खा के, सिद्धेश्वरी टेंपल जाना, महामाया माँ काली का टेंपल जाना, क्योंकि बंगाल में माँ काली बहुत ज़्यादा पूजते हैं। दुर्गा पूजा तो साल में एक बार होता है, लेकिन माँ काली का पूजा हर महीने में होता है। ये बीरभूम में सबसे बड़ा एक पीठ है, इसलिए तारापीठ। गौतम दा, ये जो बात कही जा रही है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश, दे आर नॉट बंगालीज, क्या वहां के कल्चर में रमा हुआ, वहीं के कल्चर को सोक कर चुके लोग आ रहे हैं, बीजेपी के लोग, क्या ये दिखाने के लिए तो नहीं है ये सब? नहीं, देखिए, अगर जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का फिलोसॉफी रहा है कि सारे जगह का लोग यहाँ आओ, तो ये तो बाहरी वाला जो है वो भले ही बंगाली एक अस्मिता को जगाने का कोशिश कर रहा है तृणमूल, तो मुझे लग रहा है आज थोड़ी कुछ दिनों से मैंने देखा कि थोड़ा अभी उसके पीछे हट रहा है, उतना नहीं बोल रहा है, क्योंकि जैसे बीजेपी का बड़े लीडर वो बंगाल संस्कृति को अपना रहे है, दिखा रहा है कि हम इसके साथ भी जुड़े हुए हैं, और सिर्फ बंगाल का नहीं, ये सारे भारत का है। तो आपने ये कहा कि ये कई मायनों में अलग है, लेकिन हमने ये देखा है अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से कि वहाँ जहाँ पर चुनाव हो रहे होते हैं वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में जाना ये एक रवायत सी रही है, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना ये शायद ये थोड़ा यूनिक है। लेकिन और ये भी हमने देखा है कि आदिवासियों के घर में, दलितों के घर में जाकर भोजन करना भी अब लगभग एक रवायत सा बनता जा रहा है। लेकिन अब शीतल सिंह साहब के पास जाऊंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाकर मैं ये समझना चाहूंगा उनको किन मायनों में चीजें अलग लग रही हैं या सब कुछ परिपाटी के मुताबिक है। शीतल सिंह साहब, शीतल जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज कुछ बहुत कम आ रही, मैं सुन नहीं पाया आपका प्रश्न क्या हुआ, आवाज थोड़ा सा तेज करा दीजिए। शीतल जी, अभी इस समय यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया जा रहा है, कई मंदिरों में दर्शन करते हुए भी अमित शाह नजर आ रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से किस तरीके से, क्या आपको एक मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है, नंबर वन। नंबर टू, क्या बीजेपी की बंगाल स्ट्रेटजी बाकी स्टेट से अलग दिखाई दे रही है, अगर हाँ तो किन मायनों में? निश्चित तौर पर बंगाल के चुनाव को बीजेपी ने बहुत वर्षों से, कहा जाए कि बड़ी गंभीरता से लिया है, लोकसभा के पहले से ही ये तैयारी चल रही है, और लोकसभा में उसके अच्छे नतीजे उन्होंने हासिल किए थे। लोकसभा के नतीजों के अनुसार करीब 122 सीटों पर वो 294 सीटों में आगे थे, जिन्हें वो समझते हैं कि वो लोकसभा में तो जीते थे, जिसे वो अगर दोहराते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन वो उससे आगे के प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। 163 सीट लोकसभा में विधानसभा की सीटों पर आगे रही तृणमूल कांग्रेस को पछाड़ना चाहते हैं। इस पिछले लोकसभा चुनाव में लेफ्ट एक भी सीट पर आगे नहीं था, ये अजीब है, हालांकि उसके पास 20% वोट 2016 के विधानसभा चुनाव में थे। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को बीजेपी, निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी वहां होती, और बीजेपी तो एक बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ने वाली मशीन में बार बार साबित हुई है इस देश में, और जब वहां अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है तो उसमें एक टेम्पो बनना स्वाभाविक है, और वो टेम्पो बनता नजर आ रहा है। जैसा पिछली वार्ताओं में लोगों ने कहा और सही ही कहा कि उस टेम्पो के संकेत ये है कि जो लोग दूसरे दलों से निकल रहे हैं वो सबके सब बीजेपी में ही आना चाह रहे हैं। तो ये तो नजर आ रहा है कि बीजेपी ने अपने आप को लोकसभा चुनाव के नतीजों के तहत आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में करने में एक हद तक सफलता पा ली है।
अब हमें नहीं मालूम कि ग्राउंड पे एग्जैक्टली इसका असर क्या हो रहा है, क्या वहां जो दूसरे लोगों को करीब कांग्रेस और इनको मिला के 30% से ज्यादा वोट मिले थे विधानसभा में 2016 में, क्या उनका अस्तित्व एकदम खत्म हो गया है और वो कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे विधानसभा में, हमें नहीं मालूम है, ये यहाँ से हम नहीं कह सकते, लेकिन देखना होगा कि क्या बीजेपी ऐसा करने में सफल रही है। अगर ऐसा करने में वो सफल रहती है तो लोकसभा में वो करीब 40% वोट तक पहुंच गई थी और फिर मिरेकल हो सकता है जैसा त्रिपुरा में उसने किया, लेकिन त्रिपुरा बहुत छोटी सी जगह थी। ये जो आपने अरिथमेटिक समझाएं शीतल जी, आगे आपसे ये भी समझेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।